हे गाइस, वेलकम टू अगेन चंद्र इंस्टीट्यूट अलाहाबाद। चंद्र इंस्टीट्यूट में फिर से मैं आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन है और आप इसको देखेंगे। और इसमें देखिए है 20 क्वेश्चन, लेकिन इससे आपको कई जो है कई क्वेश्चन मैं याद कराऊंगा और इससे आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका इस बार कुछ ऐसा पैटर्न है, जैसे पैटर्न अगर चेंज भी हो सकता है तो है आपको आती हुई चीजें ही फैक्ट है, लेकिन उसका थोड़ा सा ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया है पैटर्न बेसिस पर, राइट। आइए देखते हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से विषम को चुनिए, इनमें से विषम को चुनिए। पहला है लेब्राडोर की जो है जलधारा ठंडी है, मोजाम्बिक की ठंडी जलधारा दिया है, गल्फ स्ट्रीम की ठंडी जलधारा दिया है, कैलिफोर्निया के यहां पर ठंडी जलधारा दिया है, ठीक है। तो इसको अगर मैं बताऊंगा तो ये मैं सब आपको ट्रिक से याद कर रहा हूं। देखिए यहां पर कह रहा है विषम को चुनिए, तो विषम लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है, वेरी बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है, सही है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है, यह भी सही है। मोजाम्बिक की जलधारा ठंडी है, गलत है, ठीक है। मोजाम्बिक की जलधारा कैसी होती है, बोलो, गर्म होती है, ठीक है, गर्म होती है, ठीक। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए मोजा, मोजाम्बिक से पकड़ेंगे मोजा, और मोजा कहां होता है, जूता के अंदर। मोजा जूता के अंदर होता है, तो मोजा कैसा होगा, बोलो, गर्म। अर्थात मोजाम्बिक की धारा कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा। लेब्राडोर, लेब्राडोर देखिए, जो लेब्राडोर में आप बताएंगे ले और ब्रो, ले ब्रो, ब्रो का मतलब हो जाएगा बी आर ओ, मतलब दोस्त। अर्थात कोई आपके दोस्त, आपका दोस्त कोई आपके घर आया है, ले ब्रो, उसको आप क्या देंगे, ले ब्रो, क्या ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले, गर्मी के दिन में आया है तो क्या ले, ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले, अर्थात ले ब्रो ठंडी, उसका स्वागत करोगे ना कोल्ड ड्रिंक से, अर्थात हो जाएगा ठंडी जलधारा। स्ट्रीम को आप बनाएंगे, स्ट्रीम मतलब भाप, भाप कैसी होती है, गर्म। और कैलिफोर्निया से पकड़ेंगे आपको केला, और केले की तासीर कैसी होती है, ठंडी, अर्थात कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां है, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर, दक्षिण अमेरिका या फिर भारत में। तो देखिए जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, वो कहां पर है, भारत में। भारत के कहां पर है गाइस, भारत के है यहां पर मणिपुर में, मणिपुर में है यह, जिसका नाम है केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ क्या है कि इसका नाम है जो है भारत का, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है, भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विषम को चुनिए, इसमें से विषम को आपको चुनना है, ठीक है। यह है आपका वायुमंडल से उससे संबंधित है, इसमें विषम को चुनना है। मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में होती है, उल्का संबंधी घटना मध्यमंडल में होती है। ओजोन परत की मोटाई कह रहा है कि डेसिबल में, और विभिन्न उपग्रह अवस्थित है आयन मंडल में, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि जो मौसम संबंधी घटना होती है क्षोभ मंडल में, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। उल्का संबंधी घटना होती है मध्यमंडल में, बिल्कुल सही है। ओजोन परत की मोटाई कह रहा है किसमें मापा जाता है, डेसिबल में, ये गलत है। विभिन्न उपग्रह अवस्थित होते हैं आयन मंडल में, बिल्कुल सही है। अर्थात कह रहा है कि यहां पर विषम को चुनना है, कौन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही क्या है कि जो हम लोग ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, वह मापते हैं डाप्शन इकाई में, किसमें, डाप्शन इकाई में मापते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बताऊं इन शॉर्ट में, तो यह हो जाएगी क्षोभ मंडल, सबसे वायुमंडल, वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल हो जाएगी, फिर हो जाएगी समताप जिसमें कि ओजोन परत होती है, उसके बाद हो जाएगी मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल, फिर हो जाएगा आयन मंडल, और फिर वायुमंडल इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है, राइट। तो देखिए एक चीज और कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आता है, एफर्ट पसंद आता है, तो आप इसको लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें अच्छा जो आपको लगता है, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया था, एक क्वेश्चन था जिसमें संरक्षण या विनाश किसकी पुस्तक है, तो वह है सरला बहन की, और वंदना शिवा गलती से लग गया था, वंदना शिवा की जो पुस्तक है वो है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो आइए अगले तरफ, ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। भारत में बाघ 50 है, बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 1972 में आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया है 1973 में। अब इन चारों कथन में से, चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कौन सा सही है, क्या केवल ए और बी सही है, क्या ए बी सी सही है, क्या ए बी डी सही है, या फिर ये सभी सही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, भारत में जो बाघ अभ्यारण्य की संख्या है 50 है, बिल्कुल सही। बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण आया था 1972 में, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी हुई थी कब, 1973 में, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि केंद्रीय
केंद्रीय सरकार स्तर पर भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का प्रथम ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? अच्छा, और ये क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर मैं इसको बोलूं, केंद्रीय कहला कि पर्यावरण नीति पर पहला ड्राफ्ट किसने जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया था, तैयार किया था? बीपी पाल, अनिल अग्रवाल, सलीम अली या फिर कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए कौन हो जाएगा? बीपी पाल, ऑप्शन नंबर ए। बीपी पाल ने प्रथम जो है यहाँ पर ड्रॉप किया था। अनिल अग्रवाल भी एक पर्यावरणविद है, ठीक है, जो कि भारत में, सलीम अली को आप जानते हैं भारत के पक्षी वैज्ञानिक है, तो पहला ड्रॉप किसने किया था? बीपी पाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथेन के बारे में सही कथन, मेथेन के बारे में क्या सही है क्या नहीं सही है वो आपको बताना है। यहाँ पर कह रहे क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक ग्रीन हाउस गैस है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है, नम भूमि से निकलती है, पशुपालन से निकलती है या वाहनों से निकलती है। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको फिर से चूज करना है, क्या केवल ए और बी सही है, क्या केवल ए बी और सी सही है, क्या ए बी डी सही है या ऐसे भी सही है। तो देखिए, जो CH4 है मेथेन, मेथेन के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है अर्थात ये भी हो जाएगा, आर्द्र भूमि या नम भूमि से भी निकलती है ये भी सही हो जाएगा, पशुपालन जो पशु होते हैं, पशुपालन जो होते हैं पशुपालन से भी यह गैस निकलती है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, जो पशु मुंह चलाते रहते हैं अपना, ठीक है, चीविंग करते रहते हैं, उससे भी क्या होता है कि CH4 गैस निकलती, तो पशुपालन से अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए बी और सी ये सही हो जाएगा, वाहनों से नहीं निकलती। वाहनों से कौन सी गैस निकलती बताया था, अधिकारी है तो वाहन से चलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला बेस से संबंधित है क्योंकि ये करंट में थोड़ा सा रहा है तो करंट अफेयर्स को लेकर पूछ सकता है, ठीक है। कह रहे कि पहली बार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या कर्णम मलेश्वरी ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, अभी हाल ही में किसने जीता था, पीवी सिंधु ने पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं किसमें, बैडमिंटन में, राइट। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें से गलत को चुने, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें से जो है चारों ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट है और चारों ही घास के मैदान है जो आपको याद ही करना है। कह रहा कि बन्नी घास का मैदान गुजरात में क्या है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। सोला घास का मैदान कहां पर, ये भारत में, ठीक है। सोला घास का मैदान कहां है, पश्चिमी घाट अर्थात केरल वाले हिस्से में है पूरा, जी बिल्कुल सही है। डाउंस घास का मैदान ये गलत हो जाएगा, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही सी हो जाएगा। पंपास घास का मैदान कहां पर है, अर्जेंटीना। और डाउंस घास का मैदान, ये जो डाउंस है, डाउंस घास का मैदान कहां पर पाया जाता है, आप लोगों को मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया बताया था, और बताया था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जो होती है वो बाउंस बहुत मारती है, तो बाउंस को कोरिलेट करेंगे आप किससे, बोलो डाउंस से, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन जो मछली होती है गंगा नदी में, डॉल्फिन को गंगा नदी में किसकी उपमा दी जाती है, कह रहे कि डॉल्फिन को गंगा नदी में किसकी उपमा दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि गंगा की रानी बोलते हैं, गंगा प्रिय बोलते हैं, गंगा के सफाई कर्मी या गंगा के टाइगर बोलते हैं, राइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस, जो डॉल्फिन होती है उसको उपमा दी जाती है गंगा के टाइगर के, ठीक है। गंगा के टाइगर, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा के टाइगर किसे कहा जाता है, तो डॉल्फिन मछली को, जो कि सिर्फ गंगा नदी में अधिकतम पाई जाती है, और अधिकतम इसलिए पाई जाती है क्योंकि गंगा नदी का पानी स्वच्छ होता है। गंगा नदी का पानी स्वच्छ क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक वायरस बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है जो कि वहां पर जीवाणु जो जल में जीवाणु होते हैं उनको खाता है और गंगा के जल को स्वच्छ करता है, जिसके गंगा का जल हमेशा स्वच्छ बना रहता है, मतलब कि वह खराब नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहां पर, इनमें से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, भारत के दक्षिण तथा अफ्रीका के पूर्व में है, ठीक है। कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, भारत के दक्षिण और अफ्रीका के पूर्व में है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर? देखिए ये भी जो है एक अच्छा क्वेश्चन है।
अगर हम इसको देखें कौन सा महासागर, तो मान लीजिए कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अगर आप उसके बाद यहां पर देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप इधर हो जाएगा और यहां पर इंडिया हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके पश्चिम में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, और भारत के जो है दक्षिण में कौन सा, तो यहां पर कौन सा महाद्वीप होता है, हिंद महासागर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि कॉफी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, कॉफी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पूछ रहा है, अमेरिका, चीन, ब्राजील या फिर फ्रांस। देखिए जो कॉफी उत्पादन होता है उसमें प्रथम स्थान है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो इसके जो कॉफी के बागान होता है ना उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप फजेंडा, उसको फजेंडा बोलते हैं। अगर पूछ लिया भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कहाँ होते हैं, तो भारत में कहाँ पर होता है, बोलो कर्नाटक में होता है, राइट, भारत में कर्नाटक राज्य में कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि मेघालय के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, झूम कृषि, शहरीकरण या उग्रवाद या ये सभी। तो इसका आपको पता है कि मेघालय में ही क्या होता है, बोलो झूम की खेती होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। झूम खेती को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, जिसमें किसी विशेष जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, वहां पर खेती करते हैं, खेती करने के बाद कुछ दिन के बाद उस खेती को छोड़ देते हैं और फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जंगल किस राज्य में है, या सॉरी किस देश में है, कहां पर है, ब्राजील, रूस, भारत या सुरीनाम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा क्या, बोलो सुरीनाम, ऑप्शन नंबर डी। सुरीनाम कहां पर है, देखिए इसकी राजधानी में पहले बता देता हूं, सुरीनाम की जो राजधानी है वह है पैरामैरिबो, इसकी राजधानी है, और ये है कहाँ का, यह दक्षिणी अमेरिका का एक महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जो कि ब्राजील के ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, तो विश्व में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है, सुरीनाम, पैरामैरिबो, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपने पढ़ा होगा, या कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में तीन प्रमुख है, आइए मैं बता देता हूँ, पहले भी शायद मैं अगर क्लास में तो पढ़ाया हूँ, देखिएगा अरुण नाम और पक्का काम, एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप देख लेंगे, अरुण नाम और पक्का काम। देखिए अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल हो जाएगा, और नाम से हो जाएगा नामदफा हो जाएगा, नाम से नामदफा हो जाएगा, पक्का से हो जाएगा पाकुई, पक्का से हो जाएगा पाकुई राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेता है, और काम से हो जाएगा कामलांग, काम से हो जाएगा कामलांग। अर्थात अगर पूछेगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, पाकुई कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में, कामलांग कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आई होप ये आपको याद हो गया होगा बहुत बेहतर तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह गैनीमेड, डिमोस, टाइटन या फिर क्या है कि कोई नहीं। तो देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछ रहा है सैटेलाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिमोस। डिमोस किसका उपग्रह है, या सौर मंडल का सबसे छोटा है, या किसका है, बोलो मंगल का, मंगल का है। अगर पूछता कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड जो कि किसका है, बृहस्पति या फिर जुपिटर का है, और फिर ये क्या है बोलो, ये किसका है, शनि का टाइटन। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, डिमोस क्या है कि सबसे सौर मंडल का छोटा उपग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, कह रहा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर दक्कन का पठार, आपको बताना है। तो देखिए जो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये हो जाएगा लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार अगर हम बोले कहां पर पाया जाता है गाइस, तो एक सेकंड, अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा तो आपको मुझे लगता है ज्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा। लद्दाख का पठार भारत का
सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही मेंशन कर दूं। तो देखिए जो लद्दाख का पठार है वो इस वाले क्षेत्र में है, लद्दाख का पठार इस वाले क्षेत्र में, जो कि भारत का सबसे ऊंचा है। अगर पूछ लेता भारत का सबसे बड़ा पठार तो कौन सा हो जाता, बोलो दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाता, दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, ये हो जाता, राइट। अगर पूछता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो कौन सा हो जाता है, पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, पिंडारी ग्लेशियर, संतोपद ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, या फिर क्या है कि कोई नहीं इनमें से। तो देखिए जो भागीरथी नदी होती है उसका उद्गम कहां से होता है, ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहां से एक नदी निकलती है भागीरथी, और यहां से एक नदी निकलती है अलकनंदा, ये निकलती है अलकनंदा संतोपद से, अलकनंदा निकलती है संतोपद से, और भागीरथी निकलती है कहां से, गंगोत्री से, गंगोत्री से, कई बार गंगा को भी। और ये दोनों बताया था कहां पर मिलती है, देवप्रयाग पर, दोनों देवप्रयाग पर मिलती है, और यहां से संयुक्त धारा निकलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, गंगा। अर्थात पूछ रहा है कि भागीरथी नदी कहां से निकलती है, तो यहां से भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, और यहां से निकलती है बोलो कौन सी, अलकनंदा, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, कह रहे कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, या फिर शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए का फिर से, अगर ये डायग्राम फिर से मैं बनाऊंगा, इससे शायद आपको बेहतर समझ में आता होगा डायग्राम के द्वारा। तो देखिएगा, मुझे लगता है, देखिए भारत में क्या होता है, उष्ण शब्द है बताया था, उष्ण का मतलब होता है कटिबंध, सॉरी उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो भारत में जो जलवायु पूछ रहा है, तो हमको ये पता है कि भारत में जब मानसूनी के पहले जो गर्मी पड़ती है, तो मानसूनी हवाएं पहले जो लू चलती है ये पूरी कहाँ तक आ जाती है, लगभग दिल्ली तक, और जब लगभग दिल्ली तक आ जाता है पूरा कवर कर लेता है, तो हम देखते हैं पूरा भारत लगभग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म को बोलते हो उष्ण, और क्षेत्र को क्या बोलते हो, कटिबंध। अर्थात भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्ण कटिबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा संसाधन नहीं है, ऊर्जा का अच्छा संसाधन नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन दे रहा है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जल के द्वारा प्राप्त ऊर्जा, या फिर वायु के द्वारा प्राप्त ऊर्जा जिसको पवन ऊर्जा कहते हैं, या फिर पेट्रोलियम। तो देखिए यहां पर एक वर्ड दिया है अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, अक्षय का मतलब होता है कौन सा, नवीकरणीय ऊर्जा का जो उदाहरण, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, या फिर हर बार वो नए तरीके से मिले, या फिर नवीकरणीय। तो आपको पता है कि सूर्य से, जल से और वायु से जो है कंटिन्यू एनर्जी मिलती है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार कितने प्रतिशत भारत में वन है, भारत में कितने प्रतिशत वन है, ठीक है। कह रहा है 31.54%, 19.8%, 33% या फिर 17%, ठीक है। देखिए तो जो वन रिपोर्ट आई थी 2017 में, उसके अनुसार भारत में जो वन है वो कितने हैं, 21.54%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो वन होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 33.33%, इतना होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश है कितना, 21.54% है, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं कहूं, ये जो आपने टॉप 20 क्वेश्चन देखा है, देखिएगा ये जो आपने टॉप 20 क्वेश्चन देखा है बहुत कम समय में, एक सेकेंड, ये पूरा जो आपने क्वेश्चन देखा शुरू से अंत तक, इसको एक बार देखिएगा, और इससे जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग और
कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर फिर से पसंद आया है तो आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें जो भी अगर आपको अच्छा लगा हो, राइट। तो ये इसलिए मैं इसलिए टॉप 20 क्वेश्चन लिया हूं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू ऑलवेज, थैंक यू।